हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको जेंट्स स्वेटर डिजाइन बताने जा रही हूँ। देखिए ये कैसे बनता है, बहुत ही आसान है। ये 4 के मल्टीपल फंदे से डलता है। ये मैं इसमें 44 फंदा डाली हूँ। ये देखिए देखिए, 4 उल्टा, 1 2 दो 3 4, 4 उल्टा, फिर तागा पीछे, 4 सीधा, 1 2 3 4, फिर तागा आगे, 4 उल्टा, 2 3 4, फिर तागा पीछे, 4 सीधा। इसी तरह से 4 उल्टा 4 सीधा करके आपको पूरे रो कंप्लीट करना है। 2 3 4, और उल्टा साइड से, रॉन्ग साइड से सिर्फ उल्टा, रॉन्ग साइड से सिर्फ उल्टा बिनना है, और सीधा साइड से 4 उल्टा 4 सीधा। अब ये देखिए, 4 के बाद 4, 8 रो, 8 रो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सीधा के तरफ से ये 4 उल्टा 4 सीधा, 4 उल्टा 4 सीधा, और उल्टा के तरफ से पूरे उल्टा। तो अब क्या करना है आपको, कितना आसान है देखिएगा। ये 4 उल्टा, 2 3 4, उसके बाद तागा पीछे कीजिए, उसके बाद ये 2 फंदा, ये पीछे वाला दोनों फंदा देखें, ये देखिए, चाहे तो इसको इस तरह से उतार लीजिए, ये 2 ऐसे कर लीजिए, ये 2 पहले उतार के देखिए इस साइड में डाल लीजिए। देखिए तो ये पहले 1 2 3 4, ये हो गया, ये 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, फिर तागा आगे, फिर 4 उल्टा, 4 उल्टा के बाद फिर ये चारों फंदा नीचे कीजिएगा, 2 पहले वाला ले लीजिएगा इधर इस साइड से, फिर इस साइड से ये 2 लेके इस तरह से इसमें डाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से डाल के फिर इसको सीधा ही बिन लेना है आपको। 1 2 3 4, फिर तागा आगे, फिर 4 उल्टा, 2 3 4, फिर तागा पीछे, फिर ये 4 फंदे को आपको नीचे उतारना है, इसको आगे वाला इस पे लेना है, ये पीछे वाला को इस पे लेके फिर इस पे डाल देना है इस तरह से। ये देखिए फिर ये 4 को सीधा ही बिन लेना है आपको। देखिए 2 3, ये 4, फिर तागा आगे, फिर 4 उल्टा, ये देखिए ये इस तरह से मुड़ा मुड़ा हो जाएगा, फिर 4 इसी तरह से, ये देखिए ये 4, फिर ये 4 फंदा, ये 2 पीछे वाला पहले उसको उतार के इस तरह डालना है आपको, जिस तरह इधर बताई हूँ, फिर ये 4 सीधा, 1 2 3 4, फिर 4 उल्टा, 1 2 3 4, फिर ये 4 सीधा को देखिए सही से, देखिए चारों को इस तरह से आपको नीचे उतारना है, ये दोनों को इस पे लेना है, फिर ये दोनों को इस तरह से इस पे डालना, ये देखिए कितना आसान है ये। 1 2, ये देखिए इस तरह से ये वाला रो कंप्लीट हो चुका है, मेन यही रो है। उसके बाद आपको उल्टा पे पूरे उल्टा ही बिनना है, फिर 8 सलाई 8 रो इसी तरह सीधा उल्टा उल्टा सीधा सीधा बिन के 9वां में फिर इसी तरह
टर्न लेना है, फिर मैं बताऊंगी नौवां में पहुंचकर। रॉन्ग साइड में उल्टा रो कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब आ गया ये राइट साइड सीधा रो डिजाइन के बाद। देखिए ये बस चार उल्टा, फिर तागा पीछे चार सीधा, इसी तरह से आपको फिर चार उल्टा फिर चार सीधा, दो तीन चार, फिर तागा आगे फिर चार उल्टा, इसी तरह से देखिए आपको ये पूरा कंप्लीट करना है आठ रो, फिर कंप्लीट करके फिर डिजाइन बनेगा। देख लीजिए चार उल्टा चार सीधा, चार उल्टा चार सीधा, फिर चार उल्टा चार उल्टा में टोटल उल्टा, रॉन्ग साइड में टोटल उल्टा। अब ये देखिए ये मैं यहां तक बताई थी आपको चार उल्टा चार सीधा, ये देखिए इसी तरह से पूरे करके हर आठ रो पे नौवां रो पे आठ रो बिनने के बाद नौवां रो पे टर्न करना है आपको, ये दो आगे करना है ये दो पीछे करना है। तो ये वाला मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ, इसी तरह से फिर वो डिजाइन पूरे बन जाएगा आपका। तो ये देखिए ये चार दो तीन चार, ये चार उल्टा हो गया। अब ये देखिए चार सीधा जो है इसको आप इस तरह से उतार लीजिएगा, ये दो को इस सिलाई में और ये दो को इसका इस सिलाई में, इस तरह से करके टर्न करके इसको इस तरह से इसमें डाल लीजिएगा। फिर इस दो को पहले एक दो, दो को पहले फिर ये दोनों, तीन चार हो गया ये टर्न। अब फिर तागा आगे फिर चार उल्टा, दो तीन चार, ये चार उल्टा हो गया। फिर ये चार को इस तरह से नीचे उतारिएगा, फिर ये दो पहले इस तरह से फिर ये दो इस तरह से लेके इस तरह से इस तरह से, फिर ये दो एक दो तीन चार, फिर तागा आगे फिर चार उल्टा, दो तीन चार, फिर तागा पीछे, फिर ये चार को इस तरह से गिराइए, ये दो इस सिलाई में ये दो इसमें, इस तरह से देखिए एक दो तीन चार, फिर तागा आके चार उल्टा, देखिए तीन चार, फिर तागा पीछे, फिर ये चार फंदा को नीचे गिराना इस तरह से, फिर ये दो इसमें, फिर ये कितना इजी कितना आसानी से देखिए वो होता है, एक दो इस तरह से, एक दो तीन चार, तागा आगे फिर चार उल्टा, फिर तागा पीछे, फिर तागा पीछे, फिर ये चार को इस तरह से नीचे करना है, ये दोनों को इसमें, ये दोनों को इसमें लेके इस तरह से डाल लीजिएगा, एक दो तीन चार, फिर तागा आगे फिर ये चार उल्टा, तीन चार, ये पूरे इस तरह से देखिए ये कंप्लीट हो गया डिजाइन। ये देखिए अब उल्टा रो, ये वाला रो अपोजिट साइड उल्टा रो, ये रॉन्ग साइड जो है ये पूरे उल्टा ही बिना जाएगा, ये डिजाइन में पूरे रॉन्ग साइड उल्टा, ये पूरे उल्टा बिन के कंप्लीट कीजिए। अब ये रॉन्ग साइड पूरे उल्टा बिन के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब ये देखिए डिजाइन इस तरह से बन के आएगा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये फोर के मल्टीपल फंदे से बनता है, नीचे आप कुछ भी डाल दीजिए, बॉर्डर डालिए, उल्टा बिनिए, उसके बाद डिजाइन डाल दीजिए, बहुत ही आसान है। कोई भी जेंट्स स्वेटर हो, मफलर हो, शॉल हो, कार्डिगन हो, बच्चे का स्वेटर हो, बहुत ही आसानी से बनता है, बहुत ही देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और आसान कितना है। मैं सारा ही डिजाइन आपको आसान बताती हूँ,
जितना भी डिजाइन है मैं बहुत ही आसान इजी बताना चाहती हूँ आपको, जो जल्द से जल्द आप सीख सकें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।